Now, who wants what? Now, there is something called the surprise for Honey Bunny. What is this? This is the catty one. Who wants this catty one? Can you go behind? Can you go behind? Where are the Honey Bunny and the catty? Ding, 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 ding. Anybody want this? Okay. Okay, first you need to call mama today. Have you asked mama how are you today? Where is your phone? Can you call mama from mama? This? Yes. What are you doing? Mama, Gardi curry. So can you say, get well soon? Get well soon. I'm fine, Dubu. Can you also say? Mama is already fine. Then, okay. Daddy, let's okay. Inside. Yes, yes. Let's go and cut it. Okay, come. Yeah, with the knife, with the scissors. Okay. Not scissors. Please. Namaskar, Assalamu Alaikum, Sat Sri Akal. Kaise hain aap? आज है नेक्स्ट डे एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग सम फूड. कुछ खाना बनाने में लगे हुए हैं. हनी बनी का सरप्राइज हो चुका है. व्हाट हैपेंड? I can open? Yes, because you are unable to open. That's why you are giving to tell. Don't lie. Can you say hi to everybody? Hi! We got a kitty surprise today. You got a kitty surprise? But where is bunny kitty surprise? There. There? It's bunny, can you say hi to everybody here? Hi! I got a new pencil. You got a new pencil also yesterday? Yeah. Okay. So we'll open this honey bunny surprise and then we'll make our food. दे विल मेक फिश करी विद मस्टर्ड पेस्ट. है ना, अर्चना ने बहुत बार दिखाया होगा आप लोगों को. आज मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ. तो ये टमाटर और आलू काट दिए गए हैं, फिश फ्राई में लगा हुआ है ऑलरेडी. एंड देन वी विल फ्राई दी पटैटोज और उसके बाद फिश करी बनाते हैं. ठीक है, आइए मेरे साथ. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग. मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. अभी जस्ट खाना खाया है तो घर में जो भी खाना बन रहा है वो थोड़ा सा मैं खा ले रही हूँ. बाकी मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रही हूँ. ऑरेंज, मोस्टली एप्पल ऑरेंज एंड कोकोनट वाटर मैं पी रही हूँ. कोई कोई मना भी कर रहे हैं पीने के लिए, बट बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए मैंने पढ़ा है कोकोनट वाटर अच्छा होता है. तो बॉडी हाइड्रेट के लिए कोकोनट वाटर सुबह मैं पी रही हूँ. गर्म पानी पी रही हूँ बहुत सारा एंड स्टीम ले रही हूँ. बस यही है. एंड डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिए हैं, डॉक्टर विटामिन सी, विटामिन डी एंड पैरासिटामोल दिया है फीवर वगैरह आने के लिए. बाकी डायरिया मुझे बीच में थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा था तो उसके लिए मेडिसिन दिया था. वो तो बस मैंने एक ही दिन खाया था, उसके बाद तो ठीक हो गया. एंड कप सिरप एक दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. एंड धूप में थोड़ा बैठने के लिए बोला है, बट बैल्कनी, इस रूम में बैल्कनी नहीं है तो यहाँ से दोपहर को धूप आ जाता तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के अपना मूवी वगैरह देखती हूँ आराम से 3-4 घंटे. इनडायरेक्ट ही सही, बट सनलाइट आ रहा है. एंड ये दो मेरे साथ ही आजकल के, ये नॉर्मल सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर. एंड ये एक जीत लेके आए थे, ये मतलब जो कपड़ों वगैरह थे, सोफा, बेड, बाथरूम, किचन, ये सब सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे. तो जो भी, जैसे ये हनी बनी का रूम है, उनके टॉयज है, तो इस वजह से जो भी मैं टच करती हूँ या बाथरूम यूज करती हूँ, वैसे तो मेरा ये वाला बाथरूम और कोई यूज नहीं करता है, फिर भी यूज कर जो भी मैं जगह टच करती हूँ या जैसे सो के उठी जो भी, वो सब मैं स्प्रे कर देती हूँ अच्छे से एंड बाथरूम वगैरह अच्छे से सैनिटाइज कर देती हूँ. एंड ये भी तो इसी से ही मोस्टली हम लोग घर भी सैनिटाइज कर सकते हैं, ज्यादा खरीद के लाए जो भी हो. ये है, बाकी सब कुछ ठीक है. हनी बनी से बातचीत हो जाती है. मास्क पहन के, मतलब जैसे दरवाजे के उस तरफ, जब भी उनसे मैं बात करती हूँ, दूर तो होते ही है वो, फिर भी मैं मास्क लगा लेती हूँ. एंड आजकल जो इंडिया में अगेन एक ब्लैक फंगस टाइप का वो चल रहा है, तो पता नहीं, बोल तो रहे हैं कि मास्क को अगर आप बहुत दिनों तक चेंज नहीं कर रहे हो उससे भी इन्फेक्शन फैल रहा है. मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो सुनने में वही आया है. तो बेटर है कि मास्क चेंज करते रहो,
आजकल तो बहुत, पहले जब नया नया कोविड स्टार्ट हुआ था तब बहुत एक्सपेंसिव मिलता था, अब तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये हम लोग डिस्पोजेबल मास्क हमेशा यूज करते हैं। तो ये जैसे मैं दिन में 3 चेंज कर देती हूँ, सुबह एक यूज करती हूँ तो नहाते टाइम फेंक देती हूँ, देन दोपहर के बाद शाम को एक चेंज कर लेती हूँ, फिर रात को एक चेंज कर लेती हूँ। तो यही है, बाकी और कुछ नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूँ, हनी बनी पता नहीं कहाँ से सीखते हैं ये सब बातें। ये जैसे मैंने जो उस दिन अक्षय तृतीया के टाइम पे एक पायल खरीदा था ना, तो मुझे इस टाइप का एक बॉक्स मिला था, ठीक है, इस टाइप का, मतलब ये नहीं, इसी टाइप का एक बॉक्स मिला था। तो उनको लगा था कि इसमें कुछ प्रेजेंट है मामा के लिए, ठीक है, तो उनको वो बॉक्स, मैंने वो पायल पहन लिया था तो वो बॉक्स उधर पड़ा था, तो उन्होंने ओपन करके मुझे दूर से पूछा, मामा मतलब ये कहाँ गया, where is this? मैंने बोला मैंने पहन लिया, where? मैंने दिखाया पैर दूर से कि हाँ मैंने ये पहन लिया, तो बोले कि ओह हु गेव यू दिस, मैंने बोला कि डैडा, ओ दे बोल रहे ओह डैडा वांट्स टू मैरी यू। मतलब उनको कहाँ से, पता नहीं टीवी से या कहाँ से सीखने को मिला है कि मतलब इस टाइप का कोई प्रेजेंट देता है। मतलब होता है ना मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि कोई किसी को प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, ऐसे बोलते हैं, तो इस टाइप का होता है गिफ्ट। तो डैडा वॉन्ट्स टू मैरी, मैंने बोला डैडा बाबा ऑलरेडी मैरिड, ओ देन हनी बनी विल मैरी। मतलब क्या है उनके दिमाग में, उनकी बातें सुन के ना, मतलब मैं वही जीत को बोलूंगी, आज मेरा 6th डे हो गया है आइसोलेशन का, मैं कहा बस और 4 दिन बचा है, 4 दिन के बाद फटाफट से, मतलब पहले मैं इसको टाइट हग करूंगी दोनों को, फिर जाके जो किस वगैरह तो नहीं करूंगी कुछ दिनों तक, और मास्क वास्क लगा के रहूंगी घर में, बट फिर भी टाइट हग तो करूंगी। एंड डॉक्टर से भी हमने पूछा कि हम लोग कब टेस्ट करवा सकते हैं, पता नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है एंड आप 10 दिन आइसोलेशन में हो तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सिम्टम नहीं है तो यहाँ पे इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, तो आपको पेमेंट करके आपको टेस्ट करवाना है, मंका पेमेंट करके ही टेस्ट करवा लेंगे, बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हनी बनी स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो स्कूल वालों के लिए भी तसल्ली के लिए उनको भी अच्छा हो जाएगा, रिपोर्ट हम लोग दिखा देंगे, तो दोनों ही जीत और मैं फिर से भले ही पेमेंट करके सही, बट हम लोग टेस्ट फिर से करा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मना कर रहे हैं टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीत के कलीग वो भी उनको भी पॉजिटिव आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने 2 वैक्सीन ले लिया था, सेकेंड डोज के बाद उनको पॉजिटिव आ गया था, तो उनको भी वही DHA मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी से कॉल आया कि आपका 10 दिन पूरा हो गया, अब आप अपना डेली रूटीन का कर सकते हो, टेस्ट की जरूरत नहीं, बट फिर भी वो लोग जाके अपना पेमेंट करके अपने पूरे फैमिली का टेस्ट कराया, पूरे फैमिली का नेगेटिव आया, उसके बाद वो जाके घर से बाहर निकले। तो बस यही है, यही सब सीन है, यही सब चल रहा है, तो बार बार सैनिटाइज कर रही हूँ मैं, एंड जहाँ जो भी चीज़ मैं टच कर रही हूँ वो सब मैं अच्छे से स्प्रे कर दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, एंड जीत तो संभाल रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं ये करना है वो करना है वो करना है, अभी जीत मीटिंग में थे, मैंने उनको फ़ोन किया जल्दी से उनको खिलाओ, हनी पनी का टाइम हो गया है खाने का, तो उनको अभी खिला रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। That is, hey, there you made a ulta S. Wait, after S, not again a S. Wait, this is a ulta S. Wait, ये स्वास्तिक बना दिया तूने, पंडित नहीं बनना है अपने को, ठीक है? Now we'll make a T. T for? Tony. What is, who is Tony? Dada. Hey, Dada is not Tony. Who told you? Honey is Tony. And Bunny? Bunny is Tony. One is also Tony? Dada is Tony. Who told you Dada is Tony? Honey. Who, do you know who kept Dada name as Tony? Bappa. So we need to ask Bappa. Well, what will we ask? Hey, Bappa.
Why you kept my dada name as Tony? Can you ask Papa? Ask Papa here. Then I'll first ask Papa. Papa? Yes. Why you take dada Tony? You can ask. Dada, why you take dada Tony? No, ask Papa. Dada? No, Papa. Dada, why you take dada Tony? Dada Tony? Then Okay, we'll make S again. He is liking S, huh? Okay, wait now. Wait, very good. Wait. Now we'll make T for Tony, okay? Wait. Yeah. So can you make a slipping line first? Slipping line. Slipping line. Okay, first you make a standing line. Okay. Okay. Sleeping line. Okay, now from here you'll have to make a standing line like this. So it will become T. So honey, can you on the top of it, can you make a slipping line also? On the top. On the top. A little up. It's over now, so don't despair. The world could fall.